नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी न्यूज। मैं आरती बघेल। जहां एक और देश कोविड 19 से जूझ रहा है, देश में पुलिस प्रशासन और डॉक्टर एक दूसरे से कंधा मिलाकर लोगों को इस महामारी से बचाव के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं जनपद उन्नाव में पोस्टमार्टम कक्ष में एक फार्मेसिस्ट ने विषय रिपोर्ट लेने के लिए बैठे हुए सिपाही के साथ गाली गलौज करते हुए अभद्रता कर दी। जानकारी के अनुसार जनपद उन्नाव के रसूलाबाद चौकी के सिपाही अक्षय कुमार चौकी क्षेत्र के सखतपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मृतक विवेक सिंह की मौत के बाद शव का पंचनामा कराने हेतु पोस्टमार्टम हाउस आए थे, जहां पर वह विसरा रिपोर्ट लेने के लिए पोस्टमार्टम कक्ष के हॉल में इंतजार कर रहे थे। तभी रसूलाबाद चौकी के सिपाही अक्षय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम कक्ष में सोहन सिंह फार्मेसिस्ट ने अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करते हुए एक गालियां देते हुए बाहर जाने को कहा। तभी सिपाही अक्षय कुमार ने बताया कि वह विसरा रिपोर्ट लेने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन सोहन सिंह फार्मेसिस्ट ने उसकी एक ना सुनी और वह अभद्रता करता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्वागत जिंदगी मीडिया ग्रुप से श्याम गुप्ता जी की रिपोर्ट। जी मैं, हाँ बोलिए, आप क्या हैं यहाँ के? हाँ, क्या हैं आप, क्या है नाम बताइए अपना। मतलब तुझको कहने कोशिश में कह रहा हूँ, दिक्कत हो रही है। क्या लैंग्वेज लैंग्वेज समझ की बात नहीं आ रहा है? बड़ी बैठे क्या बोल रहे हैं? उधर देख क्या हो रहा है? मैं नहीं देख रहा हूँ उधर। मैं अपनी रिपोर्ट मांग रहा हूँ। मेरी बॉडी चली गई, मैं रिपोर्ट मांग रहा हूँ। तुम बता रहे उधर बैठ, तुम मुझे डांट रहे हो जिस तरह से। मिलेगी ना रिपोर्ट? ऐसी बॉडी की वो हो गई है, सब कुछ हो गया है। पुलिस रूम उधर, यहाँ बैठे उधर रूम है। मैं देखिए ऐसा उधर हम बैठेंगे, लेकिन आप मेरी रिपोर्ट दीजिए। बॉडी मेरी चली गई, रिपोर्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं? कैसे बॉडी मेरी जब बनेगी तब मिलेगी तुमको। हाँ तो लैंग्वेज कैसी है आपकी, ये बताइए। उधर डांटेंगे आप हमको? फिर वही बात नहीं, आप हमको डांटेंगे? डांटिए, जैसे आप डांट रखे डांटिए डांटिए, आप जैसे डांट रखिए। मैं बन रही हूँ। मैं डीएम साहब को दिखाऊंगा, ये कप्तान साहब भी प्रतिनिधि मैं नहीं कर रहा हूँ। एक भी बात मैंने लैंग्वेज नहीं मैं एक बात भी गलत नहीं बोला। आप हमको उधर बैठो नहीं, आप कहें चल उधर बैठ। ऐसी कोई बात नहीं है, लैंग्वेज है आपकी। तू बता वीडियो को तेरी अब आराम। तुझे समझा रहा हूँ, बैठ उधर बैठ और बोल। हाँ बैठ उधर, और कितनी बार बोलिए बैठ उधर, चल बैठ उधर कमरे में। और बोल, और कितनी बार बोलो, चलो कमरे में बैठ। ठीक है, ये सर हमसे बदतमीजी कर रहा है।